दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और आइसक्रीम हॉरर स्टोरी का पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, वरना ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रॉड अपनी वैन को एक अजीब सी जगह पर लाता है और फिर वहाँ की एक मूर्ति की पूजा करने लगता है, और बुल्ली ये देख कर मौके का फ़ायदा उठाकर रॉड का वैन लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन क्योंकि उसे यहाँ से जाने का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो उस वैन को कहीं और ला देता है, और अब वहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था। इसलिए बुल्ली सोचता है कि आज की रात यहीं पर रुका जाए और कल सुबह फिर से वैन लेकर यहाँ से निकला जाए। लेकिन तभी बुल्ली को एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही वो उस आवाज़ की तरफ जाता है तो वहाँ पर वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ पर वो जेसन और जेफ को एक लड़की के ऊपर हमला करते हुए देखता है, और जेसन और जेफ बुल्ली के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और बुल्ली समझ जाता है कि रॉड, जेसन और जेफ एक साथ मिले हुए हैं, और इसीलिए वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है। और अब आगे, जेसन और जेफ को एक साथ देखकर बुल्ली काफ़ी डर चुका है, और इसीलिए वो दबे पांव वहाँ से जाने लगता है कि तभी कोई उसके पीछे अपना हाथ रखता है, और बुल्ली जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो बहुत ही डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो फ्रेडी है, और अब बुल्ली के लिए एक और नई मुसीबत आ गई है। बुल्ली फ्रेडी को देखकर बहुत ही डर गया है, क्योंकि उसे ये पता चल गया है कि अब फ्रेडी उसे जेसन और जेफ के पास ले जाएगा। तो क्या अब बुल्ली जेसन और जेफ के हाथों मारा जाएगा? बुल्ली सोचता है डर के कोई फ़ायदा नहीं है और उसे फ्रेडी का मुकाबला करना होगा, इसीलिए वो फ्रेडी के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। पर इससे वहाँ पर एक जोर की आवाज़ होती है और बुल्ली तुरंत वहाँ से भागता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अब कुछ ही देर में जेसन और जेफ यहाँ पर आकर देखने वाले हैं कि आखिर ये आवाज़ कैसी है। और तभी वहाँ पर जेफ आ जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बुल्ली उसके सामने रॉड की वैन लेकर वहाँ से निकल जाता है, और ये चीज़ देखकर जेफ को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि जेफ ने सोचा था कि वो बुल्ली को अपने हाथों से बहुत ही दर्दनाक मौत देगा। लेकिन अब क्योंकि जेसन और जेफ की बात बुल्ली ने सुन ली है, तो अब जेफ को ये बात नहीं पता है कि फिर से बुल्ली उन लोगों को मिल पाएगा या नहीं, और क्या वो लोग गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा को मार कर अपना बदला ले पाएंगे भी या नहीं। और तभी वहाँ पर जेसन भी आ जाता है, और जेसन फिर जेफ से पूछता है, क्या हुआ जेफ, आखिर तुम यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो, और ये फ्रेडी यहाँ पर क्यों लेटा हुआ है, इसे और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? जिस पर जेफ पीछे मुड़ता है और वो जेसन से बोलता है, और फिर जेफ जेसन से बोलता है, जेसन बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर बुल्ली रॉड का वैन लेकर आया था, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उसने शायद हम लोगों की बात सुन ली थी, और फिर वो जैसे यहाँ से जा रहा था तभी शायद उसे फ्रेडी ने रोक लिया, लेकिन उसने फ्रेडी को मारकर बेहोश कर दिया। और ये आवाज़ सुनकर मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि वो बुल्ली रॉड की वैन लेकर यहाँ से जा रहा था, और ये बात सुनकर जेसन बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और वो बुल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ लगा देता है, लेकिन जेफ उसे रोक देता है और वो बोलता है, दौड़कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि वो बहुत ही दूर चला गया होगा और हम लोग दौड़कर उसका पीछा नहीं कर पाएंगे, हमें कोई और उपाय लगाना होगा। और यहाँ पर फ्रेडी धीरे धीरे उठने लगता है, और अभी जेसन को फ्रेडी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, हो सकता है कि जेसन अपना सारा गुस्सा फ्रेडी के ऊपर ही उतार ले, तो इसलिए फ्रेडी को जेसन से बच कर रहना होगा। और फ्रेडी जैसे ही उठता है तो जेसन उसे गुस्से में देखने लगता है, लगता है कि अब जेसन फ्रेडी को मार डालेगा। और यहाँ पर गुल्ली अपनी जीप लेकर बाबा के पास जा रहा होता है, और कुछ ही देर में वो बाबा के पास पहुँच भी जाता है, पर गुल्ली इस वक्त काफ़ी उदास है, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि रॉड ने आखिर बुल्ली और सोन के साथ क्या किया होगा। और बाबा के पास आने के बाद गुल्ली बाबा की तरफ देखता है, और बाबा भी गुल्ली को देख लेते हैं, और गुल्ली के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर बाबा को समझ में आ जाता है कि गुल्ली जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। और फिर बाबा बुल्ली से पूछते हैं, क्या हुआ बुल्ली, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो, और आखिर बुल्ली और शान तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, आखिर वो दोनों कहाँ पर हैं, और आखिर तुम इतना डरे हुए क्यों हो, बुल्ली मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कहीं बुल्ली और शान को कुछ हुआ तो नहीं ना है। जिस पर गुल्ली बाबा को सारी बातें बताने लगता है, वो बाबा को बोलता है, बाबा हम लोग देर रात को अपने जीप से घर जा रहे होते हैं,
कि तभी शॉन को आइसक्रीम खाने का मन करता है और शॉन जैसे ही आइसक्रीम लेने जाता है तो आइसक्रीम वाला उसे फ्रीज कर देता है। और जब काफी देर तक शॉन वापस नहीं आता है तो हम लोग शॉन को देखने जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि शॉन फ्रीज हुआ रॉड के वैन में पड़ा है और फिर रॉड अपना वैन ले जाता है। उसके बाद हम लोग भी अपने जीप से उसका पीछा करने लगते हैं और फिर हमें रॉड मिल जाता है लेकिन वो हमें अपने वैन की तलाशी नहीं लेने देता है और किसी तरह बुल्ली रॉड के वैन में छुप जाता है ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आखिर रॉड शॉन को लेकर कहाँ जा रहा है। इसलिए बाबा आप जल्दी से मेरे साथ चलिए क्योंकि अभी बुल्ली और शॉन की जान खतरे में है। और ये बात सुनकर बाबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बाबा जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद बाबा गुल्ली से बोलते हैं, गुल्ली जल्दी से चलो, हम लोग को जल्दी से रॉड के पास चलना होगा क्योंकि जिस इलाके से तुम लोग जा रहे थे वो इलाका बहुत ही खतरनाक है और वहाँ से जितने लोग भी गायब हुए हैं आज तक कोई भी जिंदा लौट कर वापस नहीं आया है। उसके बाद बाबा गुल्ली के जीप पर चढ़ जाते हैं। और फिर गुल्ली जीप लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर ये लोग बेकार में टेंशन ले रहे हैं क्योंकि बुल्ली और शॉन दोनों ही अभी सही सलामत है और अगर बुल्ली को सही रास्ता मिल गया तो वो कुछ ही देर में गुल्ली और बाबा को मिल जाएगा। और कुछ दूर आने के बाद गुल्ली जीप रोक देता है। उसके बाद गुल्ली बाबा से बोलता है, बाबा ये उसी रोड की वैन है जिसने हमें बहुत ही परेशान किया है और बुल्ली और शॉन इसी के वैन में है, आप इसे छोड़िएगा मत, इसे आप इतनी मार मारिएगा कि आगे से ये किसी इंसान तो क्या किसी आइसक्रीम को भी नहीं फ्रीज करे। और ये बात सुनकर बाबा जीप से कूद जाते हैं लेकिन क्योंकि रॉड के वैन में अंधेरा होता है इसीलिए ये लोग बुल्ली को नहीं देख पाते हैं। और बुल्ली जैसे ही वैन का लाइट ऑन करता है तो बाबा बुल्ली को देख लेते हैं और बुल्ली को सही सलामत देखकर बाबा काफी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर रॉड काफी आराम से बैठा होता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि कब जेसन, जेफ और फ्रेडी रॉड की वैन के साथ बुल्ली और शॉन को यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर वो लोग बुल्ली और शॉन की मदद से बाबा और गुल्ली को भी यहाँ पर बुलाकर उन सभी लोगों को एक एक करके बेरहमी से मार दे। पर रॉड को ये बात नहीं पता है कि जैसा वो सोच रहा है ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है और अगर जेसन, जेफ और फ्रेडी यहाँ पर आएंगे भी तो वो लोग सिर्फ खाली हाथ आएंगे, जिसे देखकर रॉड उन लोगों के ऊपर खूब गुस्सा करने वाला है। पर तभी अचानक से उसे दूर पेड़ों के बीच में कुछ अजीब सा दिखता है और वो अजीब सी चीज देखकर रॉड तुरंत उन पेड़ों की तरफ दौड़ता है। पर रॉड ने आखिर यहाँ पर क्या देख लिया है, कहीं यहाँ पर जेसन, जेफ और फ्रेडी तो नहीं ना आ गए हैं? और रॉड उन्हीं पेड़ों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो उन पेड़ों के अंदर देखता है तो वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो बहुत ही डर जाता है। तो दोस्तों आखिर रॉड ने यहाँ पर ऐसा क्या देख लिया है जिसे देखकर वो इतना डर गया है? और क्या जेसन, जेफ और फ्रेडी गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को मार कर अपना बदला ले पाएंगे या फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा मिलकर इन सभी लोगों को मार डालेंगे, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।